क्या पड़ा था? आई थिंक हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, टाइप वन के न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोगों ने टाइप टू के न्यूमेरिकल करने हैं। टाइप टू के किए थे और टाइप वन के। अच्छा हाँ, अच्छा चैप्टर टू, चैप्टर टू ना, चैप्टर टू के टाइप टू। अच्छा ठीक है, आज हम लोग ने चैप्टर टू के टाइप थ्री के क्वेश्चन करने मेरे बच्चों। करा एक फिक्स, यह है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो इसके जरा फार्मूले देखने हैं मेरे बच्चों। इसमें होता है रेट आर ए अपान आर बी, ये दो गैसेस हैं ए और बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी रूट। अच्छा इसको हम लोग ये भी कहते हैं आर ए अपान आर बी इक्वल डेंसिटी ऑफ बी डेंसिटी ऑफ ए रूट। ठीक है, फिर उसके बाद जरा देखें, बाद का रेट की जगह ना डिस्टेंस दिया होता है, टाइम और डिस्टेंस होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस को एक्स से जर करते हैं, एक्स ए अपॉन टाइम ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ बी अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, एक्स का मतलब डिस्टेंस है, टी का मतलब टाइम है। बाद अवकात वो कह देते हैं कि डिस्टेंस सेम है, तो ये इसको भी एस से जैर करके कैंसिल करते हैं, बाद अगर टाइम सेम है तो टाइम कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, एस ए अपॉन टाइम ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ बी अपॉन एस ऑफ बी इक्वल रो बी अपॉन रो ए रूट। उसके बाद है कौन सी चीज मेरे बच्चों, बाघ का डिस्टेंस की वजह वॉल्यूम दिया होता है, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। या हम लोग ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए टाइम ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल आ सकता है कौन सा, डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप लोग इनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इसका पहला सवाल है इस 16 ml ऑफ हाइड्रोजन, 16 ml मेरे बच्चों ये वॉल्यूम है, ml में चैप्टर नंबर टू टाइप थ्री क्वेश्चन नंबर वन। डेटा में मेरे बच्चों हम लिखेंगे 16 ml ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया, हाइड्रोजन गैस जब होती है तो H2 लिखते हैं, 16 ml डिफ्यूज इन 30 सेकेंड, तो ये टाइम दिया गया हाइड्रोजन का 30 सेकेंड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एक्सओ टू, वॉल्यूम ऑफ एक्सओ टू हमने फाइंड करना है इन द सेम टाइम। सेम टाइम क्या मतलब, टाइम ऑफ एक्सओ टू सेम कह रहा है, क्या मतलब कितना है हुई 30 सेकेंड है अंडर सिमिलर कंडीशन। तो मेरे बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, पता है कौन सा फार्मूला लगेगा, कोई बच्चा बता सकता है कौन सा फार्मूला लगेगा, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं कौन सा फार्मूला लगेगा। ये देखें ये 6 फार्मूले,
ये छह फार्मूले हैं जी मेरे बच्चों, जरा जल्दी जल्दी करें, किसी बच्चे ने बताया बेटा? अच्छा चलो फिर हम लोग कर लेते हैं, जरा देखें। वॉल्यूम ऑफ ए, ये वाला फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, एच टू अपॉन टाइम ऑफ एच टू मल्टीप्लाई टाइम ऑफ SO2 वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, जिसका वॉल्यूम नीचे होता है उसको ऊपर आ जाता है, SO2 अपान कौन सी चीज मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 रूट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2 दिया गया है कितना, दिया गया 16। टाइम ऑफ H2 दिया गया कितना है 30 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ SO2 सेम है 30, वॉल्यूम ऑफ SO2 ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, इक्वल मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 खुद फाइंड करें, सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32 हो जाएगा, 32 का 32 कितना हो जाएगा 64 अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है 2, एक हाइड्रोजन का 1, दो का 2 हो जाएगा, सही है। अब बच्चों बात ये है कि ये 30 30 से कैंसिल हो जाएगा, सही, और आपके पास बन जाएगा 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल, ये जब आप सोल्व करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट लें जरा जल्दी जल्दी और मुझे बताएं इसका रूट कितना आता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.2 या इतना कुछ आएगा, सही टू का रूट लेना है, फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स मेरे बच्चों, v वॉल्यूम ऑफ SO2 जो फाइंड करना है वो पांच के नीचे इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लायर इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा 16 इक्वल 6.56 मल्टीप्लायर वॉल्यूम ऑफ SO2, ये जरा मल्टीप्लायर इधर डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 5.656, वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना आएगा बेटा जरा बताएं, 2.828 यूनिट जो यहां आ रही है ml, यही यूनिट होगी, सही। अच्छा आप इससे आगे ही सवाल अगला कर लेते हैं, फिर आप लोगों को जो है ना मौका देंगे। अच्छा किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी हैंड रेस करें प्लीज, यार ये ऊपर 64 था, ये समझ में आ गया 64 कैसा है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 और 32 कितना जाएगा 64, डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा 16 अपॉन, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे ने बेटा कुछ सवाल पूछा? अच्छा बच्चों अगला सवाल जरा देख लें, H2 गैस डिफ्यूज, बल्कि ऐसा करें बेटा इसकी पिक्चर ले लें और ये भेज दें, तो बता कर सकते हैं दोबारा, ले लीजिए ना पिक्चर,
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है H2 गैस डिफ्यूज फ्रॉम अ 10 डीएम क्यूब वेसल, वॉल्यूम ऑफ H2 दिया गया है 10 डीएम क्यूब। इन 10 सेकेंड टाइम ऑफ H2 भी दिया गया है, कितना दिया गया है, कैलकुलेट द टाइम फॉर इक्वेशन ऑफ O2। टाइम ऑफ O2 हमने फाइंड करना है फ्रॉम 20 डीएम क्यूब वेसल, वॉल्यूम ऑफ O2 दिया गया है, कितना दिया गया है 20 डीएम क्यूब। यहां पर मेरे बच्चों हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ भाई बच्चों, अच्छा फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ H2 टाइम ऑफ H2 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा जिसका वॉल्यूम नीचे होता है, O2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 रूट आ जाएगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ H2 दिया गया कितना दिया गया 10, टाइम ऑफ H2 भी दिया गया कितना दिया गया 10 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ O2 फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 दिया गया कितना है 20 इक्वल मास ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना जाएगा 32 अपान हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है 2 का 2 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा 16 का रूट मेरे बच्चों आपको पता है कितना होता है 4। अच्छा ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा टाइम ऑफ O2 अपॉन 20, ये 20 इधर डिवाइड हो जाएगा कर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास मान जाएगा टाइम ऑफ O2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 80, यूनिट क्या आएगा सेकेंड, ये टाइम ऑफ O2 आ गया मेरे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है डेटा। जी बेटा, किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस, ये आपने खुद फाइंड करना है, लिखी है रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है R H2 अपॉन R B2G किसने रुबाब। जी बेटा रुबाब राज है ना, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी बेटा बताएं। सर ये मेरी पहली क्लास है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन से चैप्टर 2 तो है, कौन सा पढ़ा रहे हैं आप न्यूमेरिकल्स। बेटा देखें चैप्टर 2 में है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, गैस लिक्विड और सॉलिड, हमने गैस की थ्योरी पढ़ी है और गैस में गैस लॉस थे, चार्ज लॉ बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ और जनरल गैस इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल भी अलग यहाँ पर हमने बनाई है उसके न्यूमेरिकल, फिर था एक लॉ डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर पार्टिकल प्रेशर उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए, फिर एक और लॉ है जिसे कहते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो हम उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और अगर आपकी पहली क्लास है तो यकीनन आपको मसाइल होंगे लेकिन इंशाल्लाह ये कवर कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो, आपने पहले नहीं बताया बल्कि कोई इशू नहीं है। देखिए कि बात ये है कि इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद आई थिंक अगले वीक क्लास में वैसे फिजिकली भी शुरू हो रही तो इंशाल्लाह आपको मसाइल हल कर लेंगे, अभी आप समझने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर। अच्छा पता है कि आपके पास तो ये बुकलेट भी नहीं होगी ना, ये बुकलेट है रोज की शक्ल में, इसमें 5-30 ईयर के न्यूमेरिकल है तो यहाँ कुछ आप कहना चाह रही हैं? जी नहीं। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी कोचिंग से, आप ले लें तो फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 गया है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस, तीन पेयर है, एक तो आपने ये फाइंड करना है इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, कंपेयर का क्या मतलब है दोनों को आपने रेशियो निकालना है डिवाइड करना है, तो पहला पेयर H2 और D2 दिया गया तो मैंने क्या लिखी R H2 / R D2, दूसरे पेयर में कह रहा है R
CH4 एंड हीलियम। अच्छा तीसरे में क्या दिया गया है, आर एस एस सिक्स आर एस ओ टू, ये मेरे बच्चों हमने फाइंड करना, ये तीन फाइंड करना। तो पता है कौन सा फर्क लगेगा, यही पहले वाला रेट मॉलिक्यूलर मास आर ए अपॉन आर बी, पहले ने आर ए लिया एच टू और बी टू लिख दिया, ये है हमारे पास वन, ये है टू, ये है थ्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वन, ये कौन सा हो गया टू और ये कौन सा हो गया थ्री। तो ऐसा करते हैं कि मैं तीसरे वाला महंगा देता हूँ और बाकी दो आप लोग अभी खुद यहाँ करेंगे, खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। तीसरे वाला थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूंगा जरा देखें, मैं ये लिख लूंगा मेरे बच्चों, ये फार्मूला है ना आर ए अपन आर बी, तो मैं आर ए की जगह क्या लिखूंगा, मैं यहाँ तीसरा ये सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहां मैं लिखूंगा सोल्यूशन। मेरे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, आर एस एफ सिक्स अपान आर एस ओ टू इक्वल, अब मॉलिक्यूलर मास इसको ऊपर आ जाएगा, देखिए ना आर ए अपन आर बी, तो मॉलिक्यूलर मास बी को ऊपर है और ए का नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस ओ टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस एफ सिक्स रूट। तो जरा देखें आर एस एफ सिक्स आर एस ओ टू इक्वल, इनके हम मॉलिक्यूलर मास पुट कर लेते हैं, सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32 हो जाएगा, 32 और 32 जाकर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक्स सिक्स का निकालें, क्लोरीन को होता है 19 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 116, सॉरी 114 में सल्फर का 32 प्लस कर दें तो 146, यही बात है। अच्छा आप लिखेंगे कैलकुलेटर में 54 डिवाइड 146, लेकिन क्या आंसर आ रहा है, जीरो पॉइंट 4383। अब इसका आप लोग रूट ले लेंगे, क्या इसका रूट है, डबल सिक्स, यार ऐसा नहीं है जी मेरे बच्चों, ये इसका रेट आ गया, रूट लिए इस पर लिए, बेटा जरा देखिए क्लोरीन का मास होता है 19, क्लोरीन की बता दें 6, 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया 114 आ गया, 114 में ये सल्फर का 32 मास होता है, ये प्लस किया तो कितना गया 146। अब आगे मैथमेटिकल काम में ये आपने करना है, ये एक आंसर आया, ये मैंने कौन सा किया, तीसरे वाला किया, आपने आप पहला और दूसरा खुद करना है, शाबाश जल्दी जल्दी करके मुझे बताएं। जल्दी जल्दी करें और फिर मुझे बताएं। दूसरा भी करें, ड्यूट्रियम का मास 4 होता है, 1 का 2 होता है ना, 2 का 4 हो जाएगा,
डी का मास होता है फोर, एक डी का दो होता है, दो का चार होता है। कितने जी इसमें बेटा बताएं सर, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हीलियम का मेरे मित्रों चार होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन के एक होता है, अगर दो हाइड्रोजन से दो हो जाएगा चार, हाइड्रोजन से चार हो जाएगा, और ड्यूटियम डी का दो होता है, एक का दो होता है, दो का चार हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जजाकल्ला। क्या ठीक है, एक का पहले का याद है, दूसरे का थोड़ा बताएंगे। जी हीलियम का फोर, दूसरे का वन नहीं आ रहा। हाँ ठीक कर रहा है वो, किसने कहा ये? अबू जर ने। अबू जर आपका आंसर ठीक है बेटा। अच्छा ये बताए टाइम बेटा कितना लगा? अगर सबने कर लिया है तो मुझे बता दें, मैं इसको मिटा दूंगा। बेटा पहले का आंसर आ रहा है तकरीबन 0.3 समथिंग, और दूसरे का आंसर आ रहा है 0.5। हाँ सर, ये पार्ट टू में आंसर वन आ रहा है, सॉरी टू आ रहा है, टू में आंसर वन नहीं आता, 0.5 आएगा आंसर। ये मैं करवा देता हूँ, टू वाला भी करवा देता हूँ, और फिर एक वाला और आगे करूँ। जरा देखे मेरे बच्चों, टू वाले का मसला हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो देखें, ये है आर
ch फोर्स अपॉन r हीलियम, इसके इक्वल हो जाएगा मास ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ch फोर रूट, ये आ जाएगा r ch फोर अपॉन r हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम का मास होता है फोर, मास ऑफ सी एच फोर, एक हाइड्रोजन के एक चार का चार हो जाएगा और कार्बन का बारह कितना जाएगा 16, ये वन हो जाएगा ये फोर हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर लें और जब इसका रूट लेंगे तो 0.1/4 का रूट 0.5 आ जाएगा, क्या जाएगा आर जीरो पॉइंट फाइव सर। तो ये ठीक है, ठीक है जी, सही है, समझ गया। बेशक पूछें, कोई मसला नहीं, यही गलतियां करोगे तो सीखोगे, जितनी गलतियां कर सकते हो करो, यहाँ पर बोर्ड के पेपर से पहले पहले जी। नहीं समझ गया, मैंने 16 ऊपर लिख दिया था, कोई बात लिख दिया था। बेटा देखेंगे और बच्चे किसी को किसका पहले वाले पर रूट टू आ रहा है, हाँ तो ठीक है 1.42 सही है, पहले वाले का आंसर 1.4 समथिंग कुछ भी आ रहा है, यानी रूट टू है, देखने जो भी टू का रूट आ रहा है। बेटा इसकी पिक कर लें और सेंड करें, मैं फिर ये मिटाकर अगले क्वेश्चन सवाल में टाइम है। अच्छा जी मेरे बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। जरा एट प्रेजेंट प्रेशर एंड प्रेशर अमोनिया डिफ्यूज 1.48 टाइम मोर देन HCl, दो गैसेस का रेट का कंपेयर करके दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में। जरा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो अमोनिया का है ना NH3 का, वो ज्यादा है HCl से, रेट ऑफ HCl से कितना ज्यादा है 1.48 टाइम, तो ये आ जाएगा 1.48, इसका ज्यादा है ना 1.48 टाइम HCl से, यानी अगर HCl का जहां नीचे 1 लिखेंगे तो इसको ऊपर 1.48 टाइम आ गया, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। बेटा वो खुद कर लेना, एक क्वेश्चन खुद कर ले वो। If the density of NH3 is 0.66 gram, density of कौन सी चीज है NH3 0.66 gram per liter. Deuterium, hydrogen का isotope है ना, deuterium, एक deuterium का mass 2 होता है. There I find the density of HCl. आप फार्मूला कौन सा लगेगा बता सकते हैं, वो जो कोने में लिखा हुआ आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू रो ऑफ बी और रो ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों सॉल्यूशन, यहाँ कर लेते हैं क्या आएगा आर एन एच थ्री अपॉन आर एच सी एल इक्वल रो ऑफ एच सी एल अपॉन रो ऑफ एन एच थ्री रूट, इन दोनों की जगह आर एन एच थ्री और आर एच सी एल किसके इक्वल आ रहे हैं 1.48 इक्वल रो ऑफ एच सी एल फाइंड करना है, रो ऑफ एन एच थ्री 0.66 रूट आ जाएगा। आप देखें जो चीज फाइंड करनी है वो अंडर रूट में आ रही है, तो इसका रूट खत्म करेंगे इधर स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। बेटा इसका स्क्वायर बनाए कितना आ रहा है 2 समथिंग आ रहा होगा, टू पॉइंट वन नाइन इक्वल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रो ऑफ एच
HCl अपॉन 0.66, ये तो डिवाइड रहा इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2.19 मल्टीप्लाई 0.66 इक्वल आ जाएगा रो HCl। बताएं रो HCl कितना आएगा अगर इसको सोल्व करके मुझे बताएं। यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर, जो डेंसिटी की पहले दी गई आपको। जी बेटा और कोई है इसमें जो है ना वो कितने की बात पूछिए बेटा। टाइम कितना रहता है बेटा? बात ये है कि अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। एक्स नहीं है ये रो है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। रो है मेरे बच्चे, रो का मतलब होता है डेंसिटी। इन्हीं फार्मूलों में से मेरे बच्चों फार्मूला लगेगा जिसने भी इस किस्म के क्वेश्चन है। और किसी को कोई चीज पूछनी तो नहीं है? जी बेटा किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? चले फिर अल्लाह हाफिज़। कितना टाइम करते हैं? ठीक है फिर चला।